तो आज हम गोवा में हैं और गोवा में हमारे दो एमएलए हैं, और जैसा कि गुजरात के एमएलए से बातचीत हुई, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस बातचीत को कि बिल्कुल पारदर्शिता की राजनीति होनी चाहिए, कि एमएलए क्या क्या काम कर रहे हैं, भले ही वो विपक्ष में बैठे हैं लेकिन विपक्ष में भी एमएलए के बहुत से अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। तो आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आज फिर एक बार हम अपने दो एमएलए के साथ बैठे हैं, पार्टी के प्रधान नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब और हमारे दो एमएलए गोवा से। सो हम चाहेंगे कि आपके सामने जो इन्होंने किया, जो दिक्कतें आई वो भी, और जो कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अरविंद जी दो चार शब्द इस आइडिया के बारे में बोल देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में हमने अपने एमएलएज के साथ बैठ के चर्चा की कि गुजरात के हमारे एमएलएज ने पिछले एक सवा साल के अंदर जब से वो एमएलए बने हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। उसको जब हमने सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल में एक बार वोट मांगने नहीं आती, वो साल दर साल जो है लोगों को बताती भी है कि हमने क्या काम किए, हमारी क्या कमियाँ हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे और आगे क्या काम करेंगे। तो आज हम गोवा में हैं। गोवा के लोगों ने पिछली बार हमें हमारे को वोट दे के दो एमएलए जिताए थे आम आदमी पार्टी के, एक हमारे वेंजी वेगास हैं और एक हमारे क्रूज हैं। तो आज वेंजी बेनोलिम से हैं और क्रूज वेलिम कंस्टिट्यूएंसी से हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पिछले 2 साल हो गए इनके चुनाव में, इन्होंने अपने इलाके में क्या क्या काम किए। सुबह हम इन दोनों की कंस्टिट्यूएंसी में घूम के आ रहे हैं, हमें इनके काम बहुत पसंद आए, लेकिन ये काम हम आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप तय कर सकें कि इनके काम अच्छे हैं कि बहुत कैसे हैं। वेवेंजी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज तक पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी किसी ने मांगी नहीं है, एंड इट इज़ फीलिंग सो नाइस टू प्रेजेंट द वर्क व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 22 मंथ्स। जनरली रोड्स, सड़कें, ड्रेनेज, लाइट, ये सब तो गवर्नमेंट की चीज़ें, वो तो हम लोग लड़ बुड़ के तो कर ही लेते हैं, मतलब तारिंग ऑफ द रोड्स हो या बिजली का खंबा चेंज करने का, ये काम सारे एमएलए यही करते थे। नहीं, पर वो भी बताना, आप सारे एमएलए करते नहीं हैं, आपको गलत फहमी है, आप करते हो इसलिए आपको लगता है सारे करते हैं, आपने जो छोटे से छोटे काम किए वो भी बताना आप। ओके, रेगुलर काम मैं बात कर दूंगा, बट आज का रिपोर्ट कार्ड के लिए सर आई वुड वॉन्ट टू स्टार्ट विथ हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है, ये बेनोलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और सो वी विल बी ग्लैड टू नो दैट इन बेनोलिम वी हैव गॉट 4 क्लिनिक्स। हमारे पास 4 क्लिनिक हैं बेनोलिम में। ये सरकार ने बनाया है? नहीं नहीं सर, ये हमारे क्लिनिक्स है, आम आदमी पार्टी के क्लिनिक्स है, एमएलए ऑफिस के क्लिनिक्स है, एंड डोनर्स ने पैसा दे के कंट्रीब्यूशन करके ये क्लिनिक, चार मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, और आपने डोनेशन लेके बनाए हैं? डोनेशन लेके बनाए, सरकार ने नहीं बनाया? सरकार ने नहीं बनाया, वी आर पेइंग, somebody is paying the salary, somebody is paying the medicine, somebody is paying the rent of the clinic, somebody has built cubicles for us free of cost on CSR, somebody has done the banners for us. तो इस तरह के 4 क्लिनिक्स हैं। एक है गुड हेल्थ क्लिनिक जो बेसिकली फुल फ्लेज मोहल्ला क्लिनिक की तरफ से, एंड 9 AM to 6 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जनरल फिजिशियन एंड एक नर्स है, उसमें कोल्ड, फीवर एंड कफ, ये बेसिक जो मेडिसिन हैं एज ऑफ टुडे बिकॉज ऑफ बजट रिस्ट्रिक्शन, ये बेसिक मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, दवाई फ्री देते हैं, कंसल्टेशन फ्री है, ड्रेसिंग जो है वूंड्स की ड्रेसिंग जो है वो हम लोग फ्री करते हैं, बीपी चेक करते हैं एंड शुगर, ब्लड शुगर चेक करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग फ्री। शुगर की भी दवाई देते हैं। मैं आज सुबह जब गया तो एक शुगर का मरीज बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा तो बोला मैं शुगर की दवाई लेने के लिए आया हूँ। दैट किसी ने, एक फार्मासिस्ट ने जो मेडिकल रैप है उन्होंने एक स्टॉक दिया था हम लोग को स्टार्टिंग के लिए, व्हेन वी स्टार्टेड द क्लिनिक 2 महीने का स्टॉक दिया था, सो दैट इज द टाइम वी हैड गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्टॉक फॉर दैट शुगर एंड दैट जेंटलमैन गॉट द बेनिफिट उस टाइम पे, तो दैट इज व्हाट ही हैड सेड। तो ये हो गया अपना मेन जो है जनरल फिजिशियन गुड हेल्थ क्लिनिक। दूसरा उधरी बगन में हम लोग ने ESGI हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके आँखों का क्लिनिक खोला, आँखों के कई कैटरेक्ट के ऑपरेशन कर चुके हैं, अभी फ्री 40 ऑपरेशन कर चुके हैं या 40 प्लस किए हैं, 3 तो मिले भी थे, 3 कल हुए ऑपरेशन, एवरी वेनेसडे ऑपरेशन करते हैं, थर्सडे को क्लिनिक खुलता है, अराउंड 40-45 पेशेंट्स दिन के एवरी थर्सडे आते हैं चेक करते हैं। हम लोग चालू किए
when we started, जो आते हैं वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी के होते हैं या थोड़ा बाहर से भी आ जाते हैं? बाहर से भी आते हैं. स्टार्टिंग में ड्यू टू बजट रिस्ट्रेंस हम लोग ने बोला था कि ओनली बेनावलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का कैटरेक्ट ऑपरेशन फ्री होएगा. कंसल्टेशन सभी गोवा का कोई भी आ जाओ फ्री करेंगे. अपने को इतना अच्छा डोनर का रिस्पॉन्स मिला टू पे फॉर द कैटरेक्ट ऑपरेशन विच हैव टू पे, सो दैट देन वी एक्सटेंडेड दिस कैटरेक्ट ऑपरेशन 50% डिस्काउंट फॉर द होल ऑफ गोवा. गोवा से कोई भी आ जाओ बाहर का कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको 50% डिस्काउंट बेनावलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी का टोटल फ्री कर दिया. एंड देन द थर्ड इज द पीडियाट्रिक क्लिनिक जो बच्चों के लिए है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे सर 600-700 रुपया इज द कॉस्ट एक बच्चे का अगर आप डॉक्टर के पास लेके कंसल्टेशन के लिए. दो तीन बच्चे घर में रहते हैं और सारे को सिर्फ खांसी हो गई तो इट्स अ बिग अमाउंट जस्ट फॉर कंसल्टेशन. कीपिंग दैट इन माइंड वंस अ वीक वी हैव केप्ट अ पीडियाट्रिक, ग्रेट रिस्पॉन्स ओवर देयर फॉर दैट पीडियाट्रिक. नाउ वी आर ट्राइंग टू कीप इट फॉर 2 times इन अ वीक बिकॉज ऑफ नो डिमांड ओवर देयर. सो दैट इज इन कंसल्टेशन विद वन ऑफ द लोकल हॉस्पिटल्स. एंड चौथा वी हैव जस्ट ओपनड अप फ्री हियरिंग केयर क्लिनिक. वो एवरी सेकेंड सैटरडे वंस अ मंथ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग 10 से लेकर 4 बजे. बॉम्बे से कोई आता है? बॉम्बे से कोई आता है स्पेशली फ्रॉम पूना महाराष्ट्र से. द टू गाइज आर देयर सो दे कम हियर, दे चेक. दिस इज जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी एंड लास्ट सेकेंड सैटरडे वॉज द फर्स्ट. एंड हियर वी आर गिविंग फ्री हियरिंग एड. सो वी हैव गिवन 3 or 4 हियरिंग एड्स जस्ट दिस मंथ. टारगेट इज टू हैव 100. एंड बिसाइड दिस MLAs को फंड कितना मिलता है सवाल का? इट इज़ सम 2 lakh रुपीज़ एंड समथिंग सारा डाल के. MLA का जो सैलरी है 10,000 रुपीज़. MLA फंड, कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड कोई नहीं मिलता? नहीं, कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड अभी चालू किया है. हमारे यहाँ 5 crore डेवलपमेंट किया, बट दिस इज नॉट फ्रॉम दैट 2.5 crore. 2.5 करोड़ वो कैसे इस्तेमाल किया आपने? हाँ, अभी 2.5 करोड़ का ये है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का. मैंने जितने सारे स्कूल्स हैं उसको रेनोवेट करने का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है. तो मैंने फर्स्ट स्कूल का फाइल डाली हुई है, अभी तक अप्रूव नहीं हुए. इट इज़ गोइंग टू गेट अप्रूव. सो उसका रेनोवेशन करने के लिए इट इज़ गोइंग टू कम टू अबाउट 1.9 crore. स्कूल हैज़ नॉट बीन, दैट्स माई स्कूल फ्रॉम वेयर आई स्टडीड. सो मैं 93 में पास आउट हुआ था 10th standard. सो 93 से जो कंडीशन है स्कूल की वैसी ही है. दीज आर बेसिकली डायसिसन स्कूल्स, चर्च रिलेटेड स्कूल्स. सो सेमी एडेड फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज देयर ओन. तो उसको मैं पहले रिपेयर करवा के उसको ठीक करा रहा हूँ. देन मैंने MLA फंड जो है आई हैव यूटिलाइज पुट अप अ फाइल फॉर सोलार. सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सो 14 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में. 9 चर्चिज़ है और 5 टेम्पल्स है, एंड 8 चर्चिज़, 5 टेम्पल्स एंड 1 मस्जिद. सो ऑल दीज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वी आर गोइंग टू गेट देम सोलार डन अंडर द MLA फंड. सो दैट उनका 20-25 years, यू नो, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड द कॉस्ट. सो एज ऑफ नाउ दैट आई हैव फंडेड. I have also prepared a file. I come from a very rich constituency. Sara coastal belt mera hai. So good 27% of, you can say, tourism that comes is from my constituency. So I have put up a file to make access to all my beaches for disabled people. Disabled people ke liye jaane ke liye, logon ko jaane ke liye, rasta banane ke liye ya pavers dalne ke liye. So sare beaches to be made accessible to. So that is a third file which has been put as of now. So these files are yet to be passed. So this was the health module. During COVID time, we had started also something called as medical equipment facilitation unit. So beds, oxygen concentrator and wheelchairs, हम लोग returnable basis पे देते हैं, वापस लेते हैं. और लोगों से हम लोग second hand मांगते भी हैं. कई लोग ऐसे कि wheelchair ला के उनका relative जो भी घर का आदमी है वो ठीक होने के बाद वो dump कर देते हैं. तो वो डंप किया हम लोग लेके आते हैं, उसको पूरा रिफर्बिश करते हैं, एंड देन वी यूज इट टू गिव अदर्स एंड वी पुट अ थैंक यू नोट ऑन दैट हूएवर हैज गिवन. सो दिस वाज द हेल्थ मॉड्यूल व्हिच वी हैव क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी. द सेकंड थिंग वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज, दीज आर द वेरियस अदर मेन वर्क्स विच आर देयर. सो हम लोग ने प्रधानमंत्री योजना देखी है, चीफ मिनिस्टर योजना देखी है. तो मैंने सोचा हम क्यों ना MLA योजना चालू करें. तो आई स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज MLA स्कॉलरशिप्स एंड MLA स्कीम्स. सो उसमें से मैंने ये कोंकणी वर्ड है गुरजीवंतांक आधार. सो हेल्प टू द नीडी इसका ट्रांसलेशन है, हेल्प टू द नीडी.
तो व्हाट वी डिड इज हाउ डू आई आइडेंटिफाई द नीडी. तो हमारे यहाँ चर्चेज है, मंदिर है, उनको मैंने बोले यू ऑल आइडेंटिफाई हु इज नीडी इन योर विलेजेस, गिव मी द नेम्स. पंचायत्स को बोले आइडेंटिफाई हु इज द नीडी. एंड एक सेंट विंसेंट द पॉल करके एक संस्था है, दे जनरली आइडेंटिफाई द नीडी एंड गिव फूड. सो वी गॉट देम आइडेंटिफाइड. हमारे पास गुड 600 कुछ नाम आ गए. तो दिस वाज द नीडी मतलब हंग्री, हु आर नॉट सो नॉट सो फाइनेंशियली साउंड, हु डू नॉट हैव गरीब लोग. हाँ, गरीब लोग आई वुड से. सो दिस वर आइडेंटिफाइड गुड 500 प्लस 600 फैमिलीज. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम लॉन्च. इसकी सोच क्या है, अभी फिलहाल तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वी गिव देम रैशन फॉर क्रिसमस. But the idea is not about giving ration. This ration was given by a donation format. But the program of this is next year, we are going to, it is going to become 1,000 families. So we are going to ask 1,000 affordable families to give one, adopt one family. इनका मिलावा करना है, इनको जोड़ना है और इनको स्टेज पे जोड़ना है. So one affordable family will give to one needy family. एंड देन उनका कॉन्टैक्ट भी बन जाएगा. उसके बाद उसको जो भी करना है वो फैमिली के लिए, दैट इज़ अप टू हिम. ही डू नॉट नीड्स टू शेयर विथ अस ऑन आवर प्लेटफॉर्म. सो दिस विल बिकम अ बिग मॉड्यूल ऑफ चैरिटी. सो पूरा समाज इसमें समाज इन्वॉल्व हो जाएगा और इनको खुशी मिल जाएगी. हम लोग ने तो इस बार 1,500-2,000 का रेशन दिया, 25 किलो रेशन दिया फॉर वन फैमिली. तो ये 1,500 इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू कंबाइन देम एंड दे गेट सपोर्ट. एंड इट इज़ नॉट ओनली सपोर्ट ऑफ ऑलवेज गिविंग, इट इज़ टू एंश्योर दैट दैट फैमिली स्टार्ट सस्टेनिंग. उसको अगर नौकरी दिलाना है, उसके घर में अगर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी इनको पढ़ाना है, शिक्षक में पैसा डालना है. सो दैट्स द होल मॉड्यूल विच वी आर गोइंग टू कैरी आउट. सो दैट इज दैट गोलजी वतंग आदर. रेस्ट अदर थिंग्स इज सर वेरियस वर्क्स में जो हम लोग किया है वो तो बताया आपने. हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आई हैव गॉट 8 schools, आई हैव गॉट 8 schools इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड successfully I am the only MLA in the whole of Goa who has got all my 8 schools rainwater harvesting done under the water resource department WRD ke under. We have completed rainwater harvesting for all my schools in my constituency. So this was